ओबीसी महिला विरोधी भाजपा सरकार। आपने अभी देखा आनंद फानंद में पता लगता है कि देश में संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसका एजेंडा क्या है किसी को नहीं पता। मुद्दा क्या चल रहा था? मुद्दा अडानी के 20,000 करोड़ के घोटाले का चल रहा था, मुद्दा बढ़ती महंगाई का चल रहा था, मुद्दा बेरोजगारी का था, मुद्दा किसानों का था, मुद्दा सरहद पर चीन से मिलती चुनौतियों का था, मुद्दा मणिपुर था। लेकिन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए संसद का विशेष सत्र, मुद्दा पता नहीं विशेष सत्र में चर्चा क्या हुई, अटकले लगने लगे, वन नेशन वन इलेक्शन को ना जाने क्या समय का बर्बादी की गई, मुद्दे से भटकाया गया। विशेष सत्र हुआ तो पता लगा महिला आरक्षण विधेयक लाया जा रहा। कांग्रेस को इस बात की खुशी हुई कि सालों से जो अधिकार आदि आबादी का था उससे उसको वंचित रखा गया, अब ये अधिकार उन्हें मिलने वाला है। आदि आबादी देश की संसद और राज्य की विधानसभाओं में पहुंचने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने हमारी पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने इसका स्वागत किया और कहा हम बिना शर्त संसद में इस महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करेंगे, इसे पास होना है। ये पहली बार हुआ कि विपक्ष एकजुट खड़ा हुआ था इसके लिए और खुशी है वो पारित हुआ, लेकिन उसके रास्ते में रोड़े अटका थे और रोड़े किसके द्वारा? खुद केंद्र में शासित भाजपा रोड़ा अटका दिया गया। कहा गया कि महिला आरक्षण कानून आप इस तरह से देखिए कि मैं मेरी थाली खाली है, वर्षों से मेरी थाली खाली है, उसपे आप भोजन रखते हैं लेकिन आप कहते हैं अगले 10 साल तक मैं खा नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं थैंक यू मोदी जी बोलू कि वर्षों तक मेरा हक मारा गया, आज मुझे वो हक मिला है लेकिन उसका लाभ नहीं मुझे मिलेगा, लेकिन मैं थैंक यू मोदी जी कहूँ। श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, संसद में बोले हमारी मांग है महिला आरक्षण कानून जो पारित हुआ है उसे इन्हीं चुनावों से 2024 में लागू किया जाए। इसमें जो अटकले रोड़े अटकाए गए हैं भाजपा सरकार द्वारा कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर महिला विधेयक कानून का लाभ मिलेगा, हम चाहते हैं इन शर्तों को हटाइए और तुरंत लागू करिए ताकि इसी 24 में हम लोग महिलाओं को आदि आबादी को जिसे उसके हक अभी आधे मिले हैं और वो आधे किसकी वजह से मिले हैं, वो आधे अधिकार भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न युवा प्रधानमंत्री थे और शहीद हुए श्री राजीव गांधी की वजह से। 1989 का वो दिन याद है, 1989 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में प्रस्ताव किया, लोकसभा में महिला संविधान संशोधन से महिला विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता, 7 वोटों से राज्यसभा में किया जाता, लेकिन संकल्प था रुकेंगे नहीं। 89 के बाद 1993 आया, पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, बहुमत नहीं था लेकिन नियत थी, सहमतियां बनाई, बातचीत हुई, रास्ते खुले और 1993 में संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों में नगर निगमों में महिलाओं को आदि आबादी को उसका हक मिला, 6 महीने में देश में ये लागू हो गया। सबसे पहला चुनाव मध्य प्रदेश में था, सबसे पहले मध्य प्रदेश की महिलाओं को पंचायत नगर निगमों के चुनावों में और नगर निगमों में जो इसका फायदा मिला, आज गर्व होता है बताते हुए कि देश भर में 15 लाख महिलाएं निर्वाचित, इनकी भागीदारी देश में 40% है, लेकिन आदि आबादी का हक अभी आधा मिला जो कांग्रेस ने कराई। पूरा अधिकार क्या है? पूरा है कि देश की राज्य की हर विधानसभाओं में और लोकसभाओं में भी इसको मिलना, यह हमारा सपना। 1993 में हमने 15 लाख महिलाओं को उसका हक दे दिया, तो आज भी है, 30 साल हो गए, आज भी हक उनके पास है। उसके बाद आया 2000
सरकार बनी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व। राज्यसभा में सोनिया गांधी जी की सहमति बनाई और ये बिल 2010 में पारित हुआ। अब इंतजार था कि लोकसभा में बस ये राज्यसभा में पास हुआ है, लोकसभा में लाना है और इतनी ही देर लगनी थी जितनी इस समय लगी एक दिन कैबिनेट और अगले दिन पार्लियामेंट में मोहर लगा के पास हो गया। लेकिन इसको केंद्र की भाजपा सरकार ने 2014 में चाहते तो हमारा अधिकार 2.5 साल से जो वंचित हम रहे, क्योंकि मैं कुछ तस्वीरें लाई हूं अपने साथ। ये तस्वीर आप देखिएगा, इस तस्वीर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल पीछे नीली साड़ी में मैं विधायक के तौर पर खड़ी और ये सारी महिला विधायक सांसद देश भर से 2017 8 मार्च का ये फोटो है, 2017 8 मार्च लाल साड़ी में सुषमा स्वराज जी आपको दिखेंगी, तब की हमारी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी दिखेंगी, अभी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आपको दिखेंगी और आपको सुमित्रा महाजन जी सब दिखेंगे। 2017 में जब संसद में प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया था, हमने मांग की थी, प्रधानमंत्री जी बहुमत है, प्रधानमंत्री जी आपने हमसे वायदा किया था महिलाओं से 2014 में बहुमत दीजिए, महिला आरक्षण कानून को पास करके अधिकार देंगे। 15, 14 निकला, 15 निकला, 16 निकला, 17 की तस्वीरें सुषमा स्वराज जी के साथ मुझे याद है, हमने कहा सुषमा जी आप कुछ कहिए ना प्रधानमंत्री जी को, क्यों नहीं बिल पेश करते हैं, कोई विरोध नहीं होगा, पारित हो जाएगा, महिला है 17 का है 19 के लोकसभा में हमारी संसद है। और सुषमा स्वराज जी ने कहा अंकल तुम सब मिलकर बात करो, उन्होंने कहा तुम सब मिलकर बात करो, अगर सुषमा जी सुने नहीं जा रहे हमें कहेंगे सब मिलकर बात करो, और हमने बात की विभागीय प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया। 17 से 23 आ जाता है, ये तस्वीर आप देखिए, ये भाजपा की महिला सांसद है, ये वो महिला सांसद है जिन्होंने 2014 से लेकर 2019 में इसमें आपकी यहाँ की जो है जयकौर मीना, जसकौर मीना, जसकौर मीना, दिया कुमारी, रंजीता कोहली, ये भी सांसद खड़ी है। हम इनसे कहते रहे खासतौर से जसकौर मीना की, महिला सांसद है, 25 के 25 सांसद भाजपा के यहाँ से लोगों ने दिए, आप मंत्री भी रही है 10 साल से, आपने एक बार भी अपनी सरकार के प्रधानमंत्री को नहीं कहा कि महिला आरक्षण बिल लेकर आए, इतनी ही देर लगती स्मृति ईरानी से लेकर चुनौती देते किसी ने आवाज उठाई तो मात्र सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी और हम लोग लिख लिख कर हर साल हर सत्र में देते रहे कि महिला आरक्षण बिल ले आइए, महिला आरक्षण बिल ले आइए, लेकिन दुर्भाग्य है कि इनमें से किसी ने आवाज नहीं उठाई। कहते हमें शौचालय दिए, अब पूरे हंगामे मोदी जी ने शौचालय दिया, मोदी जी ने शौचालय दिया, मोदी जी ने सुरक्षा दी, सवाल ये मोदी जी ने सुरक्षा दी कौन है, ये मात्र तिरंगा लिए सड़क पर साक्षी मलिक, देश का ध्वज ऊंचा करने वाली, जब राष्ट्र गान गीत बज रहा था आपको याद होगा, लेकिन आज सड़क पे साक्षी मलिक और हमारी फोकट बहने जो है वो न्याय मांग रहे थे, किससे, संसद में उस पहुंचे अपराधी से जिसका नाम ब्रजभूषण शरण, भाजपा का सांसद है, बेटियां न्याय मांग रही है, न्याय नहीं मिलता है, महिला आरक्षण होगा तो क्या बदलेगा, जो पूछते हैं उन्हें कहिएगा ऐसे अपराधी छवि वाले बेटियों का यौन उत्पीड़न करने वाले सामने से बाहर हो जाएंगे और उनकी जगह ये बेटियां लेती, लेकिन आपको वंचित रखा, ब्रजभूषण शरण के प्रभावित कर दो, बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर आती है, न्याय की गुहार लगाती है, FIR नहीं होती है, बेटियां सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है दिल्ली पुलिस को तब FIR होती है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने देती भाजपा, स्मृति ईरानी से लेकर जसकौर मीना हो, दिव्या हो, रंजीत हो, कोई इससे भी आवाज नहीं उठाई उनके खिलाफ, और क्या दिल्ली पुलिस का ये करता है, ब्रजभूषण शरण को जब भी मौका मिलता था वे महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ करते थे, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में इससे ज्यादा शर्म ना कुछ हो सकता, और आज भी सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, ये गर्व से बैठा हुआ संसद के अंदर। ये तस्वीरें मैंने थोड़ी सी हटाया है, मणिपुर की रिवाइजेशन की सरकार है, मणिपुर बेटियों को नग्न करके पुलिस थाने के अंदर से खींच के बाहर ले जाकर परेड कराया गया और उनका सभी बलात्कार, आदिवासी बेटियां भी कहां आई,
दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रधानमंत्री जी से समय मांगा, नहीं मिला। मणिपुर की महिला राज्यपाल ने प्रधानमंत्री जी से समय मांगा, नहीं मिला। इंडिया का डेलीगेशन मणिपुर जाता है, राष्ट्रपति जी को मिलता है, सच्चाई बताता है, शांति की अपील करने की एक गुहार लगाता है, दुर्भाग्य देश के राष्ट्रपति जी एक शब्द नहीं बोलती शांति का, या सभी दीदी भी, और ये भी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे बोलती उससे पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, आप कार्रवाई अब रहने दीजिए, जो करना है मैं करूंगा, ये बेटियों को न्याय की लड़ाई के लिए हाथ उठाना। तो आप सोचते हैं क्या बदलेगा? बहुत कुछ बदलेगा। राजनीति का अपराधी कर्म, जो अपराधी आज संसद में पहुंच चुके हैं, जब 181 महिलाएं पहुंचेगी तो स्वाभाविक है ये अपराधी। मुझे गर्व होता है अपनी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी की, उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव, फैसला कर लिए कि 40% महिलाओं को मैं टिकट दूंगी, आरक्षण आए ना आए मैं टिकट दूंगी। श्रीमती प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर का सबसे बड़ी हमें चुनौती रखती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, वहां 40% टिकट दिया इस उम्मीद से क्या भाजपा शिक्षण जैसे अपराधियों को नहीं, कुलदीप सिंह सैनर जैसे अपराधियों को नहीं जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, महिला नेताओं को टिकट देगी और आमने सामने महिला लड़ेगी, हारेगी भी महिला और जीतेगी भी महिला। लेकिन क्या क्या भाजपा ने हमारी महिला उम्मीदवारों के सामने धन और बल से ऐसे अपराधियों को काट दिया जो पूर्ण चरित्र धारण कर कराए महिला, लड़ी हमारी महिला। सो आज हमारी मांग है, ये सरकार ओबीसी विरोधी है। राहुल गांधी जी ने संसद में बताया कि 90 भारत सरकार के 90 जो सचिव है, भारत सरकार के प्रशासनिक सेवा में जो सचिव है, वो 90 में से मात्र 3 ओबीसी है, मात्र 3। यहां से पता लगता है कि जो हम जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक होना चाहिए, लेकिन आप ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, जनगणना ना करवा के उनको उनके हक अधिकार भागीदारी से वंचित करना चाहते। हम चाहते हैं जनगणना, लेकिन महिला आरक्षण का जनगणना से जोड़ देना ये नाइंसाफी, क्योंकि जब हमने संविधान संशोधन करके 1993 में महिला आरक्षण लागू किया था, तब जनगणना को आधार पूरा नहीं बनाया गया था, तब 10 साल का इंतजार नहीं। 2011 में जनगणना होती है, 2021 में जनगणना होती है, 21 में होनी थी, माफी चाहूंगी, जो नहीं हुई, अगली जनगणना 2031 में, यानी कि 31 में जब जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा, और यानी कि हक से आपने वंचित कर दिया। और हमारी मांग है कि ओबीसी महिलाओं को, हम महिलाएं हैं, हमें 181 सीट का अधिकार जो आपने दिया है उसके ओबीसी महिलाओं को सम्मान दीजिए, उन्हें आशीर्वाद मत छोड़िए। राहुल गांधी जी ने उन्हें भी केंद्र में लाकर उनकी आवाज उठाने की बात की। तो आप सभी से मैं कहूंगी, कांग्रेस पूरी तरह से पूरे देश में आंदोलित है, हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। भाजपा एक तरफ से पूरे देश में इस बात का श्रेय लेना चाहती है जो जुमला कि प्रधानमंत्री जी ने देखिए 2 मिनट में कैबिनेट से फैसला करके लोकसभा में पारित कर दिया। 2 मिनट से तो लगने थे, तो 2014 से 2020 क्यों ले आए मोदी जी, 2014 में 2 मिनट में तो होना था। तब आप ये जो आगे के 10 साल ले रहे हैं, 2014 से 24 तक 10 साल में परिसीमा भी कर लेते, आप जनगणना भी कर लेते और 24 में महिलाएं आबादी आबादी को संसद में देखते, लेकिन आपकी मंशा नहीं। कौन रोक रहा है इन्हें इस कानून को लागू होने से और ओबीसी महिला को देने से? कौन रोक रहा है? आरएसएस रोक रही है, उसकी विचारधारा उसकी सोच रोक रही है। ब्रजभूषण शरण जैसे, निहाल चंद मेघवाल राजस्थान से सांसद, 2014 में केंद्रीय मंत्री बनाए गए, यौन उत्पीड़न बलात्कार के आरोपों में मजबूर होकर आंदोलन हुए सड़कों पर, महिलाएं को घटाना पड़ा, ऐसे सांसद ऐसी मानसिकता वाले लोग महिला आरक्षण कानून को रोक कर, क्योंकि उन्हें पता है कि पता उनकी सीट चली जाएगी तो वो महिलाएं आएंगी जो इनकी इनकी हिंसा की शिकार थी, चाहे वो हमारी साक्षी मलिक को या ये हमारे कोबाद बहन, ये जाएंगे और ये आएंगे, ये जाए ना, ये आए ना, इसलिए ठंडे रस्ते में
करते झूला करके आदि आबादी का अपमान है, आदि आबादी के हक और अधिकारों का हनन है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा कतई भी नहीं भूलेगी। मैं आप पत्रकार साथियों का, मुझे मालूम है राजस्थान चुनावी राज्य है, हमारे राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी आपके बीच में कार्यकर्ताओं से मिलकर गए और लगातार आते रहे। बहुत स्थानीय मुद्दे होंगे, बहुत स्थानीय सवाल होंगे, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ कि आप जब जब हमारी ममता जी हमारी मंत्री है यहाँ पर, मीडिया की जिम्मेदारी है, स्वप्निल जी है और बाकी हमारे नेता यहाँ पर है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, रोज आपके सवाल लेके रोज आपके हर सवाल का हम जवाब देंगे। लेकिन आज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आज हमारा मुद्दा देश के 21 राज्यों की 21 राजधानियों में आज के दिन आज के समय एक ही मुद्दा है, महिला आरक्षण कानून तुरंत लागू किया जाए, परिसीमन जनगणना का रोड़ा हटाया जाए और ओबीसी महिला को अधिकार देते हुए 24 महिलाओं के लिए रास्ते खोले जाए। ये करना अगले 6 महीने में इसलिए संभव है क्योंकि 1993 में जब हमने संविधान संशोधन करके पंचायतों में और नगर निगमों में ये आरक्षण लाए थे तो हमने 6 महीने में लागू कर दिया था क्योंकि हमारी आज भी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का रूप लगा हुआ था। जब मैं आई प्रधानमंत्री जी यहाँ पर कुछ परिवर्तन मैंने शब्द बड़ा बड़े बड़े बोले हैरानी हुई, प्रधानमंत्री जी परिवर्तन के लिए आ रहे हैं, 25 सांसद आपके हैं, 25 सांसद आपके हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप राजस्थान में कहने आ रहे हैं परिवर्तन करिए, तो मैं कहूंगी प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं कि आपने जिन 25 सांसदों को एक नहीं दो बार 10 साल के लिए चुन कर भेजा वो निकम्मे नकारा साबित हुए हैं, इसलिए मैं अब परिवर्तन चाहता हूँ, अब उन्हें हटा दीजिए, उन्हें हरा दीजिए, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बना दीजिए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण महिला का सम्मान वसुंधरा राजे जी हमारे विरोधी दल की पूर्व मुख्यमंत्री है राजस्थान की, उनका जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, उनका जिस तरह से निरंतर अपमान किया जा रहा है, ये भी आप सब देख रहे हैं कि भाजपा के अंदर ही महिला नेत्रियों को किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। सुमित्रा महाजन जी का हमने इंदौर से आती है स्पीकर रही 5 साल, उनका बयान सुना कि कार्यक्रमों में उनका आमंत्रित नहीं किया जा रहा। आपकी उमा भारती उत्तर मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, वो भी ओबीसी की मांग पर रही थी, सड़कों पर आ रही आंदोलन करने की बात कर रही थी। लोकतंत्र भाजपा में खत्म हो चुका है, अपनी नेताओं से बैठ कर बात करके आरक्षण बिल नहीं लाया गया, हमसे तो बात करने की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि आप सब के लिए बैठक बुलाइए, सहमतियां करिए, हम तो पता तक नहीं था कि विशेष सत्र के मुद्दे क्या है, चर्चा किस पे होनी है, लेकिन थोप दिया गया। आप कहते हैं तैयारी के लिए समय चाहिए, 10 साल तैयारियों के लिए थे ना कर लेते। आपने जब देश में नोटबंदी खोली, नोटबंदी रात को 8 बजे टीवी पर आए मोदी जी और बोला नोटबंदी होगी, क्या तैयारी का समय दिया था आपने किसी को, संभलने का समय दिया, अर्थव्यवस्था ऐसी गिरत कर नीचे गई, 80-85 रुपए पहुंच चुका है। आज भी बेरोजगारी और महंगाई की आपको मैं बताऊं, मैं आपको दिखाती हूँ आज की हकीकत, ये देखिए 3 साल में 31 लाख जॉब गई है, 3 साल में 31 लाख नौकरियां चली गई है, इनमें 26 लाख महिलाएं, महिलाओं को शौचालय भी चाहिए, फिर उससे आगे बढ़कर 31 लाख सिर्फ छोटे जॉब में महिलाएं बढ़ी, छोटा छोटा काम धंधा जो है वो कर रही है, लेकिन 3 साल में 31 लाख में से 26 लाख महिलाओं को आपने आर्थिक चोट पहुंचाई है, उनका काम धंधा कमाई के साथ उनको बंद कर दिया कि मैं नहीं, आरबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर जानकारी को देश के सामने रखा है, जिसे केंद्र की भाजपा सरकार भी झूठला नहीं सकती। तो मैं आप पत्रकार साथियों को कहूंगी हम इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं है, महंगाई हमारे लिए मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा और राजस्थान की गर्व होता है सरकार के ओल्ड पेंशन स्कीम पर हमने हिमाचल में सरकार बनाई, यहाँ के मॉडल पे हम दूसरे राज्यों में कर्नाटक सरकार बनाकर आए। आज कहीं भी जाते हैं सब कहते हैं कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 500 रुपए का एलपीजी सिलेंडर दे सकती है, तो आप आज भी 1100 का क्यों दे रहे हैं, और इसी के दबाव के चलते ये जीत है राजस्थान के लोगों की,
ये जीत है राजस्थान की कांग्रेस की सरकार की, अशोक गहलोत सरकार की, कि केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ा, झुकना पड़ा और 200 रुपए एलपीजी के कम करने पड़े। तो आप सबसे कहूंगी, महिलाओं को जो हाथ पे किया गया, उनका अधिकार छीना गया है, आप सभी पत्रकार साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, इस महिला आरक्षण का जुमला जो झुंझुना हाथ में पकड़ाया गया है, मैं कहूंगी साथ दीजिए हमारा, साथी आबादी का, और आप इस बात को महसूस करते हैं कि हाँ बिल्कुल ये अगर हो सकता है उसे करिए, और महिलाओं को साथी आबादी का अधिकार दीजिए, आपकी इससे हमसे अलग राय नहीं। पत्रकार साथियों को आमंत्रित करती हूँ आपके सवाल। हमने आपसे ओबीसी की बात किया, उसके अंदर तो महिलाओं का भी एससी एसटी का भी देखिए, आप नगर निगम में चुनाव में पंचायतों में एससी और एसटी रिजर्वेशन है, और अब जब इस पे बात होगी तो स्वाभाविक है हम बिल्कुल तो दलितों का आधार जिस आधार पर एससी एसटी को रिजर्वेशन पहले से है उसी आधार पर रहेगा इसमें। लेकिन ओबीसी पे हमारी जो मांग है कि आपने 2011 में जो हमने जनगणना कराई थी, आपने 21 में करानी थी, नहीं कराई, लेकिन 11 को आप आधार बना दीजिए और उसमें एससी एसटी और ओबीसी खासतौर से जितना है उतना अधिकार दे दीजिए। लेकिन आप 2031 की जनगणना का आधार बनाकर इसको करना चाहते हैं, हम 2011 की जनगणना को आधार बनाकर बात करना चाहते हैं। ये सरकार बिल्कुल ओबीसी खासतौर से ओबीसी महिला भाजपा विरोधी सरकार है, ये एक जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है। धन्यवाद। अभी हमारा 16 तारीख को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, आपको कुछ जानकर खुशी होगी कि मेरी जैसी महिलाएं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य है, और मैं अकेली नहीं हूँ, ये राहुल गांधी जी की ही सोच थी, और हमारा उदयपुर नव संकल्प में इसी राजस्थान की पवित्र धरती पर ये संकल्प किया गया था उदयपुर में कि हम युवाओं को, दलित आदिवासियों को और महिलाओं को संगठन में ऊपर से नीचे तक जो है वो आरक्षण देंगे, मन की साथ देंगे। इसी के चलते हमारी मुंबई की जो है वो एक दलित बैंक को अध्यक्ष भी बनाया गया, और ये सिलसिला अभी जारी है, अभी संगठन में बहुत परिवर्तन होने हैं। मुझे खुशी है कि हमारे अध्यक्ष इसको लेकर पूरी तरह से वचनबद्ध है कि वो धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में 40% महिला को टिकट दिया, क्या टक्कर बराबरी की थी? नहीं थी, सामने खड़ा कौन होता है एक महिला, जो महिला पहली बार चुनाव में उतरी, 40% महिला उतरी, उनके सामने धन और बल माफिया ब्रजभूषण जैसे को खड़ा कर देंगे, महिला के साथ आप बराबरी की टक्कर नहीं करवा रहे हैं। So, हमने कभी भाजपा को चुनौती दी थी कि हम 40% महिलाओं को दे रहे हैं, आप ही 40% महिलाओं को उतार दीजिए, बराबर की टक्कर होने दीजिए, जब ऐसा नहीं होता तो कानून का सहारा लेना पड़ता है, और कानून तो आ गया मेरे लिए, लेकिन मैं आते हुए संसद में दिख नहीं रही हूँ। चुनाव से सहमत संगठन हो, संगठन स्तर पर चुनाव में टिकटों की बात हो, महिलाओं को देनी चाहिए, और ममता जी विधायक है, मैं खुद विधायक है, हम आरक्षित सीटों से नहीं आए, और मैं कह भी रही हूँ अगर ये आरक्षण आ भी गया ना, मैं और ममता जी आरक्षित सीटों से नहीं लड़ी, ताकि हम चाहती है कि 33-50% हो जाए, आधी आबादी को पूरा हक मिल जाए, हम और आप जैसे बिना आरक्षित सीटों से लड़ती आई है, जीतती भी आई है हर चुनौती से, हम इसको 50 करके दिखाएंगे। धन्यवाद। अलका जी, महिला सुरक्षा की आपने बातचीत की है, मणिपुर के मामले को भी आपने सामने रखा, ऐसा ही मामला राजस्थान से भी आया था, जिसके सीएम गहलोत गए थे, तो वहीं अब बीती रात को सिर्फ एक मामला और सामने आया, जिसमें 10 साल की एक बच्ची को मारकर कुएं में गोले में डालकर फेंक दिया जाता है, वहीं 15 साल की सिखावा के रामगढ़ से 15 साल की बच्ची उसके साथ गेंद करके उसको गोले में डाल दिया जाता है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं निवेदन करना चाहूंगी, जब मेरे साथ राजस्थान की महिला मंत्री बैठी है, स्थानीय सवाल है, बिल्कुल इसकी जवाब दे, इनके प्रति व्यक्ति की जवाब देखिए, मणिपुर की घटना की अगर आप तुलना करें राजस्थान से, तो राजस्थान की तुलना मणिपुर से करना मेरे ख्याल से राजस्थान का अपमान है, क्योंकि यहाँ घटना घटती है और राजस्थान के मुख्यमंत्री तुरंत वहाँ पर स्थान पे पहुँचते हैं, पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हैं, और राजस्थान सरकार के द्वारा
जो भी फैसिलिटी उनको उपलब्ध कराई वो कराई जाती, सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और परिवार को ढांढस बनाया जाता है। तीन तीन महीने तक सड़कों के ऊपर मांग नहीं की जाती मणिपुर की तरह की सुरक्षा दी जाए। आप सरकार मोदी सरकार बदल इंजन की सरकार कहते हैं किसी व्यक्ति को नहीं भेजो। स्मृति ईरानी जी महंगाई के ऊपर सिलेंडर सिर पर रख के घूमती थी लोकसभा के सामने, और जब मणिपुर की घटना आई तो उन्होंने कोई वक्तव्य भी जारी नहीं किया, ना वो गई वहां पर, उनको जाना चाहिए था वहां पर, वहां जाके उस परिवार को देखती। राजस्थान की सरकार ने तुरंत मुखिया वहां पे पहुंचे और उस परिवार को सांत्वना दी। और अगर आप अपराधों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर आपको पता है कि अनिवार्य FIR दर्ज होती है। प्रति लाख महिलाओं के विरुद्ध अगर अपराधों की संख्या देखी जाए तो राजस्थान में 105.4 है, जबकि असम में 168 है, दिल्ली में 1 लाख की संख्या में 147 है, उड़ीसा में 1 लाख की संख्या के अनुपात में 137 है, हरियाणा में 1 लाख के अनुपात में 119 है, तेलंगाना में 1 लाख के अनुपात में 111 है। यानी अपराधों की श्रृंखला को अगर अपन देखें तो राजस्थान 6वें स्थान पे देश में आ रहा है, और वो भी इसलिए कि हम लोग हर FIR को अनिवार्य कर रहे हैं। उसको हम चाहते हैं कि अगर कोई अपराध राजस्थान में घटित हो रहा है तो उस अपराध का अनुसंधान होना चाहिए, उसकी तह तक हमें पहुंचना चाहिए, कौन व्यक्ति अपराध में लिप्त है उनके खिलाफ कठोर से कठोर सजा राजस्थान की सरकार देने का प्रयास करती है और परिवार को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जाती है। जब हम सरकार में आए थे आपको ध्यान होगा अलवर के अंदर एक बहुत ही मार्मिक घटना गैंगरेप हुई थी, आप सबकी नजर में है। हमारे नेता राहुल गांधी जी उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, भारतीय कांग्रेस के, और वो भी आए थे। आज वो बच्ची बहुत सम्मान और इज्जत के साथ में राजस्थान सरकार में नौकरी कर रही है, उसके परिवार को पुनर्स्थापित किया गया और उनको हौसले और हिम्मत के साथ में पुनः लड़ाई लड़ने का जीने का जज्बा राजस्थान सरकार ने दिया। तो मैं समझती हूँ कि अपराध करने वाला किसी जाति धर्म बिरादरी का व्यक्ति नहीं होता, वो सबके मानसिक विचारधारा का व्यक्ति है जो देश की महिलाओं के साथ में अपराध करता है। लेकिन अपराध होने के बाद जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो सरकारें हैं, उनका दायित्व क्या होता है, वो उस अपराध को अनिवार्य FIR दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसकी तह तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, या सिर्फ ऊपर ऊपर ही बात करके सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों तक सीमित रहते हैं। ये राजस्थान का कल्चर नहीं है, ये मान और सम्मान और अभिमान की भूमि है, ये मीरा की भूमि है, ये पन्ना घाय की भूमि है, यहाँ पे महिलाओं का सम्मान हमारे सबके लिए प्राथमिकता है। देखिए मोदी जी आ रहे, आपको ध्यान होगा सबको कि पिछली बार भी मोदी जी आए थे पिछले चुनाव से पहले, और ERCP की भी बात करके गए दोनों जगह, जयपुर और अजमेर, कि हमारी सरकार लेकर आई है BJP की, हम लोग राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे ERCP को। तो पहले तो मैं मोदी जी को पहले बोली भी बातें जो राजस्थान की जनता के साथ में वो वायदा करके गए थे, हमने 25 के 25 सांसद उनकी बात के ऊपर राजस्थान की जनता ने दिए, तो पहले तो वो ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें जो हमारे 13 जिलों की बहुत ज्वलंत मांग है, और उसके बाद में जो महिला आरक्षण की बात उन्होंने रखी है उस महिला आरक्षण के ऊपर वो अपना खुलासा करें कि भारतीय जनता पार्टी बन के भी रहनी चाहिए। इन्होंने तो इस देश की गरिमा को आज सत्ता में बैठे हैं और नाम है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम लोगों को लगता है कि आम जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बजाय उनका नाम भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए, जो देश के लोगों के साथ में प्रलोभन करके आज महिलाओं के साथ में उनको प्रलोभन दे रहे हैं, उनके आरक्षण के नाम पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जैसे मेरी साथी अलका जी ने कहा, इनकी नीति और नीयत साफ होती तो 2014 में आते ही 5 मिनट का संकल्प पारित करके और आज देश की महिलाओं को मान सम्मान दे चुके होते, लेकिन फिर 24 के अंदर इनका तत्काल डावाडोल हो रहा है। देश की जनता ने इनको दिखा दिया, देश की जनता ने इनको आईना बताएगी, भारत की जनता जो इंडिया का एक एक आदमी है वो चाहता है कि देश में परिवर्तन हो, क्योंकि महंगाई की मार, मोदी जी ने कहा था, जुमले लगाए थे बहुत बड़े बड़े जो आप लोगों ने भी देखे हैं कि बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, बहुत ही महंगाई की मार,
अब की बार मोदी सरकार ये जुमला लेके हिंदुस्तान के अंदर इंडिया के अंदर ये लोग आए और आके इन्होंने देश की आम जनता की जिस तरह से कमर तोड़ी है, तो वो आम जनता इनको 2024 के चुनाव में सबक सिखाने वाली है। इसलिए बौखला के इन्होंने महिलाओं को एक प्रलोभन का झुंझुना पकड़ाया है, लेकिन देश की महिलाएं अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान को समझती है, इनके बहकावे में नहीं आएंगी। अगर इनकी नीति और नियत स्पष्ट है तो आज घोषणा करके जाए मोदी जी कि इसी 2024 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण बिल ओबीसी की महिलाओं के मान और सम्मान के साथ में लागू करें, ये हमारी उनसे बोल है। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे पास जब 1993 2010 हमारी सरकारों ने ये इच्छा शक्ति जारी की, पार्लियामेंट में लेकर बहुमत नहीं था, अंतिम बहुमत 1984 में था राजीव गांधी जी के बाद, लेकिन वही राजीव गांधी 1989 में लेकर आए राज्यसभा में पारित हुआ, बहुमत नहीं था, लेकिन हम जब नगर निगम में लेकर आए, पंचायतों में लेकर आए, क्या महिलाओं को SC ST की सीट रिजर्व की नहीं? राजस्थान में भी 33% को 50%, राजधानी दिल्ली में भी नगर निगम में 33 नहीं है 50% है, और उन 50% में SC ST महिलाएं भी है। ओबीसी की जनगणना जो 2000 हम पारी बारी दौरान 11 में हुई है, उसके आधार पर न्याय होना चाहिए, हम ये मांग कर रहे हैं। हमने 2011 में जनगणना कराई, 12 तक हुई, 14 में हमारी सरकार चली गई, पूर्ण बहुमत की सरकार से कहते थे कि जनगणना हो चुकी है, आंकड़े आपके पास है, उसके आधार पर हमें लगता है कि ओबीसी 5% नहीं है 50% है, उसका हक उसे दीजिए जिसे इस सरकार ने वंचित रखा हुआ है। छोटी सी एक बात आप पत्रकार साथियों के माध्यम से कहना चाहूंगी, राजस्थान की वो पवित्र धरती है जहां पर सरहद पर ना जाने कितने सपूत शहीद होते हैं, मणिपुर से तुलना करके प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की पवित्र धरती को अपमानित करने का काम किया है। राजस्थान में क्या ऐसा हुआ था कभी, थाने से महिलाओं को खींचकर, थाने से WNP की सरकार है, थाने से मणिपुर में महिलाओं को खींचा जा रहा है, नगर किया जा रहा है, सभी बलात्कार किया जा रहा है, सरकार खामोश है, प्रधानमंत्री अभी तक नहीं है, मुख्यमंत्री बर्खास्त नहीं होता है, क्या राजस्थान के लोग ऐसा होते देख सकते थे? अगर होता तो नहीं, आप पत्रकार साथी खामोश नहीं रहते, राजस्थान का अपमान है, राजस्थान की पवित्र धरती का अपमान है कि आप अपने नाकामियों को विफलताओं को छुपाने के लिए राजस्थान को बदनाम करने पर आ गए। राजस्थान में बीजेपी के राज में जो इन्वेस्टिगेशन रेप का था, इन्वेस्टिगेशन 276 दिन लगते थे, आज सिर्फ 54 दिन, 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं हुआ। आज अगर देश में हम राज्य बताते कि कौन सा राज्य है जहां पर बलात्कार को फांसी सबसे कम समय में फास्ट ट्रैक में दी हो, राजस्थान का उदाहरण देश में दिया जाता है। आज हम लोग कहते हैं कि यहां खामोश क्यों का, मैं आपसे चुनौती लेकर कहती हूँ, कांग्रेस के कोई विधायक सांसद का आज की तारीख में नाम बताइए जिसे बलात्कार किया हो या उत्पीड़न किए हो और हम उसके समर्थन में खड़े हो, कार्रवाई ना कर रहे, उदाहरण भाजपा में देखने को मिलते हैं, उदित सिंह सैकड़ विधायक उन्नाव से, ब्रजभूषण शरण हो, चिन्मय आनंद हो, एक हरियाणा के बाबा और एक यहाँ पर बाबा है जो अंदर है जिनके पाओ में प्रधानमंत्री जी गिरे रहते थे, सातवीं बार पैरोल मिली हरियाणा के उस बाबा, मैं नाम नहीं लेगा आप जानते हो, सातवीं बार पैरोल, उम्र कैद का सजा है, बलात्कार हत्याओं के आरोपी को आप बारी बारी बेल पे लाते हैं, पैरोल पर लाते हैं, उसको प्रचार कर देते हैं आप, और आपकी महिला नेता बिल्कुल खामोश नहीं, फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा राजस्थान में अपराध नहीं, ये सोच और मानसिकता जो है महिलाओं के विरुद्ध उससे पूरा देश लड़ रहा है, राजस्थान भी लड़ रहा है, सब लड़ रहे हैं, उससे निजात पाएंगे कम से कम, गर्व है हमारी केरल सरकार किसी अपराधी के समर्थन में नहीं खड़ी है, उन्नाव और कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में भाजपाइयों ने जुलूस निकाला, ब्रजभूषण शरण पर आवाज नहीं उठती है, कम से कम राजस्थान की पवित्र धरती पर आप किसी बलात्कारी के समर्थन में आज जुलूस निकलते हुए नहीं देखे होंगे, इसलिए राजस्थान की धरती को मणिपुर से तुलना करके बदनाम मत करिए, वहां जो कुछ हुआ है पूरा देश शर्मसार हुआ है, अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन की संसदों में चर्चा हो गई मणिपुर की, और आपके संसद में चर्चा नहीं हो रही थी,
आप अपने विफलताओं को सोचेंगे कि ढक ले, छुपा ले, चर्चा न हो, प्रधानमंत्री जी इस पर कुछ बोले नहीं तो शायद दुनिया को पता नहीं चलेगा, वरना कौन चीख चीख कर बताएंगे। ये सरकार को पड़झरे में आपको हमें करना करना पड़ेगा। और आज इसी महत्वपूर्ण दिन बन जाता है कि देश के प्रधानमंत्री राजस्थान की धरती पर आए, 25 से 25 सांसद आपको दिए, एक एक दो वाक्य 10 साल कम नहीं होते हैं, आपने राजस्थान को क्या दिया, आज उनसे पूछने का समय है कि प्रधानमंत्री गहलोत जी से तो हम पूछ लेंगे कि उन्होंने 5 साल में गरीबी, महंगाई, राहत के लिए क्या क्या किया, गवाह यहाँ के लोग बताएंगे आपको कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उनका हिसाब आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता ले लेगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी आपसे तो आपके लिए सवाल करेंगे कि 25 सांसदों को चुनकर उन्हें राजधानी दिल्ली पहुंचा, आपके सांसदों ने आपकी सरकार ने 10 सालों में राजस्थान को बदलने में क्या किया, परिवर्तन के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, 25 सांसदों के परिवर्तन के लिए आ रहे हैं कि होगा ये परिवर्तन, हम 23 में राजस्थान जीत रहे हैं और 24 में हम देश की सरकार यही से बनाने आपकी पार्टी कर रही है। देखिए हम अपना स्टैंड पूरी तरह साफ कर चुके हैं। अच्छा तो आपने प्रश्न पूछा, किसी के मन में कोई दुविधा वो साफ हो जाएगा। हम जातीय जनगणना के समर्थक हैं, लगातार केंद्र की भाजपा सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन भाजपा आरएसएस नहीं चाहती ये जातीय जनगणना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जातीय जनगणना ये दिखाएगी कि एससी एसटी के साथ ओबीसी की संख्या बढ़ी है, लेकिन उसकी भागीदारी जैसे उदाहरण देकर बताया 90 केंद्र सरकार ने सचिव राहुल गांधी जी ने कहा है, मैं दोहरा रही हूँ, 24 में हमारी सरकार बनते ही जो जातीय जनगणना 21 में होनी है नहीं हुई, हम तुरंत करवाएंगे, उसको करवाएंगे भी नहीं, ये जो ओबीसी का अधिकार है उसे देते हुए महिला आरक्षण 24 में ही पार्लियामेंट में पहले ही सदन लाके जातीय जनगणना का जो रोड़ा है, परिसीमन का जो रोड़ा है उसे हटाते हुए ओबीसी महिला को लेकर 24 में जो राज्य आएंगे, महाराष्ट्र आएगा, हरियाणा विधानसभा, आप उसमें राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में सरकार आपकी है, दूसरा की है सीएम ने राहुल गांधी साहब। देखिए राजस्थान में मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सी सरकारों ने जातीय जनगणना कराने की बिहार और राजस्थान में भी हमने प्रयास किए, क्योंकि हम इस पे विश्वास रखते हैं होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि कोर्ट में उस पे रोक लगाई गई, बहुत जगह पर रोक लगाई गई, और जातीय जनगणना जो 24 में महिला आरक्षण है वो एक स्टेट नहीं हटनी तो होगी, लेकिन अभी हम आचार संहिता की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब ये हटी है हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये काम एक दिन का नहीं है, आप भी इस बात को मानते हैं, जातीय जनगणना एक दिन का काम नहीं है, पूरे एक साल का काम होता है, शायद राज्यों में 6 महीने का होगा, लेकिन मैं इस बात को दोहरा रही हूँ, हम इसके समर्थक हैं, हम इसको करवाएंगे, हम इसको ला रही हूँ 24 में ही, राजस्थान में भी करेंगे सरकार आती हूँ केंद्र में भी करेंगे। देखिए झूला है, झूला शब्द देखिए अमित शाह जी की देन है ना, कांग्रेस का शब्द नहीं है झूला, यूनिक पर रहने दीजिए, हमारी जो नीयत है वो सबके साथ पर है, राजस्थान की जनता तय करेगी कि अशोक गहलोत जी ने झूले करे या वास्तविकता में प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख का क्या कार्ड था, वो आयुष्मान को चुनकर कार्ड था, कि पूरे देश में केंद्र की भाजपा सरकार 5 लाख का जो है वो बीमा कर रही है स्वास्थ्य बीमा, और राम की सरकार ने 25 लाख का, है ना, तो झूला वो था, झूला ये नहीं है, या बेहतर जानते हैं मुझसे, मैं दिल्ली से आई हूँ, आप राजस्थान के आप पत्रकार होंगे और आप मतदाता भी है, नागरिक भी है, और आप जागरूक है, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। मैडम देखिए बीजेपी क्यों जाती है, क्या कारण हो सकता है बीजेपी, मैंने फिर वही कहा, आरएसएस नहीं चाहता है कि भाजपा की सरकार जाति के आधार पर जनगणना कराए, क्योंकि ये सरकार आरएसएस जो है की सरकार दलित आदिवासी ओबीसी विरोधी है, इसलिए नहीं करा है, होते ही किसकी कितनी भागीदारी है सामने आ जाएगा, उसका उतना हक बन जाएगा, उनके हकों से उन्हें वंचित रखने के लिए ये सब खेल हो रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा छत्तीसगढ़
करोड़ व्यक्ति में राजस्थान में नजदीक मैं ममता जी से बात कर रही थी। ममता जी आप यहाँ से हैं, आपको क्या लगता है जवाब आप देखिए। हमारे नेता को मैं विश्वास दिलाती हूँ और हम सब कार्यकर्ता विश्वास दिलाते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, ये मान लीजिए हमारे टक्कर में कोई नहीं है, ये सब बौखलाए हुए हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी, हम सब कार्यकर्ता अपने नेता को विश्वास दिलाते हैं। और राहुल गांधी जी अगर ऐसा सोच रहे हैं तो उनको और ज्यादा खुशी मिलेगी इस बात के लिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ज्यादा विधायक कांग्रेस के राजस्थान में जीत गए। राहुल जी की एक बात कह रही हूँ, आपको मालूम है यहाँ पर सिर्फ हम चुनाव नहीं जीतेंगे दोबारा, हम इतिहास रचेंगे। क्यों इतिहास रचेंगे? क्योंकि राजस्थान में 5-5 साल का रिकॉर्ड रहा है। तो यहाँ सिर्फ हम चुनाव नहीं जीत रहे, हम इतिहास रच रहे हैं। और एक नेता का कहना क्या टक्कर में हूँ, ये दिखाता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा, आप विश्वास में आकर बल्कि ज्यादा अति विश्वास में लगता है ताकि वो जमीन पकड़े रखे और लगा रहे और यहाँ इतिहास रचने जा रही है। मेरा भी विश्वास है आप साल पुरानी बातें मत करिए। मैं भी एक साल पहले आई थी आप कॉन्फ्रेंस के लिए, आपने कुछ सवाल पूछे थे, आज उसके जवाब भी मिल गए होंगे कि आज पूरी कांग्रेस एक है, मजबूत है और आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ इतिहास रचने कांग्रेस जा रही है। नहीं ममता जी यहाँ ही रहेंगी, मेरे को दिल्ली जाना है। ममता जी आपकी मीडिया चेयरमैन है, सवाल रोज होंगे, आपका उनका स्वागत भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं है, 2.5 साल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की जवाब नहीं दिया। और हमारे राहुल गांधी जी को देखिए, कल यहाँ थे, आज छत्तीसगढ़ है, फिर भोपाल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सवाल ले रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल भाग नहीं रहे हैं। विपक्ष में सबसे ज्यादा सवाल सत्ता से ही विपक्ष से किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष खड़ा हुआ है। और बिल्कुल धन्यवाद करती हूँ आप आए, मुर्दा सवाल पूछे धन्यवाद। अभी आप सब पत्रकार साथियों के साथ बैठेंगे, अनऑफिशियल जो भी आपके सवाल हो, जो भी आपके इंटरव्यू हो, सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।